फाइनली यहाँ पे जो है नहीं ना सर 2022 पेपर वो हो चुका है आज खत्म। और अगर किसी ने नहीं देखा ना तो भाई सुबह उसके रिव्यू वीडियो डाल दिए, हर मैच को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेना, मेरा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। भाई कैसा हेल ने सर भले ही खत्म हो चुका हो लेकिन आपके मन में जो कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि भाई फीड ने क्यों रिटर्न नहीं किया, वैसे उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली थी, उसके बाद उस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोच जोश इंजर्ड थे तो फिर उन्होंने मैच में कम्पीट क्यों किया, WWE ने कैसे अलाउ कर दिया, कैसे उनको मेडिकली क्लियर कर दिया कि वो जाके कम्पीट करे एक मैच में डिस्पाइट द इंजरी। तो उसका जो एक सॉलिड रीजन निकल के आ चुका था वो उस पर बात करने वाले द ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बारे में। और अगर आपने शो ध्यान से देखा तो आपको पता होगा यहाँ पे जो उन्होंने इनडायरेक्टली लेना चैलेंज भी कर दिया रोमन रेंस को, तो भाई कैसे क्या वो बताने वाला हूँ। और बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक 2022 के लास्ट टिकट सेलिंग के बारे में, जो अभी ना वो ऑफिशियली सोल्ड आउट हो चुका है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस वीडियो में, तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको WWE की न्यूज अपडेट देखने को मिलती है। चैलेंज के मार्च के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातों को शुरू करने पर मनी इन द बैंक या फिर कैसे MITB 2022 के बारे में, तो इसकी जो मैंने आपको ना 3-4 दिन पहले टिकट सेलिंग दिखाई थी और मैंने बताया था यहाँ पे जो 800 टिकटें बची हुई है, यहाँ पे जो कल है SLTC की रिपोर्ट आ चुकी है लेटेस्ट टिकट सेलिंग, यहाँ पे जो 98% टिकट है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। 11,850 जो है ना फाइनल काउंट बताया जा रहा है, और टोटल आप मान सकते हो गिनती के 100-150 सीटें बाकी रही है, और वो जो है ना प्रीमियम सीट है उसके बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो उनको काउंट करो ना करो एक ही बात है। यहाँ पे जो मेरी तरफ से ये पेपर जो है मनी इन द बैंक जो 2022 है ये सोल्ड हो चुका है, बस WWE का जो ऑफिस स्टेटमेंट आना बाकी है, और अगर स्टेटमेंट आ भी जाता है तो मैं उसको कवर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मेरी तरफ से सोल्ड आउट है। तो ये कुछ था इसकी लास्ट फाइनल टिकट सेलिंग। यहाँ पे टिकट सेलिंग की बात हुई है तो भाई कल की मंडे नाइट रॉ जो है ना उसकी भी टिकट सेलिंग की बात कर लेते हैं। जो कल का जो रॉ है ना रॉ का एपिसोड है वो भी जो सोल्ड आउट हो चुका है, ऑफिशियली सोल्ड आउट है। यहाँ दिखा रहा भाई 543 टिकटें बची हुई है लेकिन वो भी जो सोल्ड आउट हो चुकी है, ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है। यहाँ पे जो ऑफिशियली 5,000-5,500 के आसपास जो है लोग आने वाले, तो मंडे नाइट रॉ भी जो ऑफिशियली सोल्ड आउट हो चुका है। बात करें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, कल जो व्यूअरशिप नहीं आई थी व्यूअरशिप है ना कल रात को आई, तो मैं अभी बता देता हूँ व्यूअरशिप आज कुछ ज़्यादा लेट आई है। तो व्यूअरशिप जो है ना पिछले हफ्ते के मुकाबले बड़ी थी, व्यूअरशिप आई है 1.847 मिलियन व्यूअर्स, और जो पिछले हफ्ते आया था भाई 1.778, तो यहाँ पर जो बड़ी है कुछ परसेंट के आसपास, तो अच्छी बात है। अब देखते भाई रोमन रेंस की बात है तब जो 2 मिलियन के पास पार हो जाएगी। जैसे बात करते ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बारे में, और हो सकता है कि जो नेक्स्ट है ना चैलेंज इन लाइन हो यहाँ पर बॉबी लेस्ली, और हो सकता है MITV में जब वही हमें चैलेंज करते हुए नजर यहाँ पर ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को, क्योंकि देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी हुआ था बॉबी लेस्ली का, जिसमें बॉबी लेस्ली ने साफ साफ कह दिया था कि एक बार जो मेरा उमो से काम निपट जाए फिर मैं जो है WWE चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला हूँ और उसको वापस लाने वाला रॉ में। और आज आपने अगर देखा हुआ तो यहाँ पे मैच जीतने के बाद वो जो फैंस है ना रेप्लिका टाइटल रहते हैं, उस टाइटल को जो है ना वो क्राउड में ऐसे दिखाते हुए नजर आते हैं, और इससे भाई सीधा सीधा ये इंडिकेशन मिलता है कि वो बता रहे कि मैं जो यहाँ पे जाने वाला हूँ नेक्स्ट इन लाइन रोमन रेंस के लिए, मैं जाने वाला हूँ उस WWE चैंपियनशिप के लिए, और WWE चैंपियनशिप जो रोमन रेंस के पास है। तो इनडायरेक्टली जो यहाँ पे रोमन को चैलेंज कर दिया उन्होंने, और अब तो वैसे भी ओमोस को हरा दिया तो रोमन के लेवल पर पहुंच भी चुके हैं उनके हिसाब से। इस पूरी सिचुएशन को देखे भाई मेरा तो ये एनालिसिस कहता है कि बॉबी लेस्ली जो है ना नेक्स्ट इन लाइन हो सकता है चैलेंज करने के लिए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और भी रिपोर्ट निकल के आएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। जब बात करें द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल के बारे में, तो यहाँ पे जो AJ स्टाइल को भी जो है ना हैवी ब्लीडिंग हो चुकी है, बस्टेड ओपन हो चुके हैं वो, यहाँ पे उनके जो सर से खून निकलता है वाला मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, और ये हेल इन सेल के मैच के दौरान की वीडियो है। तो यहाँ पे जो हर किसी को भी इंजरी हो जाएगी, कभी कोडी रोड्स को, कभी सेथ रॉलिंस को तो नहीं हुई है, कोडी रोड्स को हो रही है, और अब यहाँ पे जो AJ स्टाइल को भी थोड़ी जो इंजरी का सामना कर पाया, मतलब मेजर इंजरी नहीं है, थोड़ा सा कटवट लग गया। आई होप सो कि यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ ना हुआ हो, और कल जो मैं रॉ में आते हुए नजर आएंगे तो पता चली जाएगा भाई क्या ज्यादा कुछ हुआ है फिर नहीं हुआ। ऐसे बात करते हैं स्कॉटिश साइको पर ड्रू मैकइंटायर के बारे में, और आज हमारे ड्रू मैकइंटायर का बर्थडे, और ड्रू मैकइंटायर जो हो चुके भाई 37 साल के, तो हमारी तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट सेक्शन में, मेरी तरफ से तो मैंने विश कर दिया है। अब देखते हैं कि अचीवमेंट्स कब तक आते हैं मेरे पास, जैसे अचीवमेंट आएंगे आपको बता दूंगा। बात करते भाई मैट के मॉस के बारे में, तो इनका नाम तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी चेंज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपडेट नहीं है। अपडेट ये है कि यहाँ पे जो मैट के मॉस की जो तारीफ की है बुली ले ने, बुली ले लिखते हैं ग्रेट जॉब मॉस वर्सेस कॉर्बिन स्ट्रॉन्ग विन फॉर मैट के। ऐसे जो कई सारे लेजेंड्स ने कई सारे लोगों ने जो है यहाँ पे मैट के मॉस की जो परफॉर्मेंस है ना उसकी तारीफ की है, और वैसे भी ये काफ़ी मतलब सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है, इसका मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैट के मॉस ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लोग जो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अब देखते हुए इनके आगे क्या डायरेक्शन रहती है मैट के मॉस की। ऐसे आप बात करते हैं नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी थी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स के बारे में। आराम से बात करते हैं कि भाई कोडी जब इंजर्ड हो चुके थे, ऑब्वियसली बात है WWE को तो यहाँ पर पता ही होगा, विस वैन को तो यहाँ पर पता होगा, तो वहाँ पर उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया कि वो जाए ऐसे ब्रूटल मैच में और कम्पीट करके ऐसा कमाल का मैच, तो उसके बारे में जो रिपोर्ट आ चुकी है तो मैं आपको बता देता हूँ। आराम से बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर जैसे है ना कोडी सबने इंजरी अनाउंस कर दिया WWE के द्वारा, तो WWE जो यहाँ पे ना इस मैच को चेंज करने में लग जाती है। जो आपने मैच देखा ना वैसा ओरिजिनली प्लान नहीं था, इस मैच को जो पूरे दिन है ना चेंज किया गया, बहुत बार चेंज किया गया, अब कितनी बार किया गया वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो बहुत बार है ना चेंज किया गया ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। जो आउटकम को चेंज किया गया था फिर नहीं, विनर को चेंज किया था फिर नहीं, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैच को जो बहुत बार चेंज किया गया था, और अगर कोई ये समझना है कि इंजरी फेक है फिर पेंट लगाया कोडी रोड्स ने, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इंजरी लेज
लेजेंड इंजरी है, मतलब देखते पहचान गया था। और रिपोर्ट का भी यही मानना है कि ये एक लेजेंड इंजरी है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो WWE अलाउ नहीं करती है, लेकिन कोड जो पोस्ट करते हैं विंस मैकमैन को WWE को मुझे अलाउ किया जाए। और यहाँ पे जो मैच को जो ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे जो मूव शॉट भी लगाना होता है, लेकिन ऐसे जो कई सारे स्पॉट उनको जो कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि वो स्पॉट लग जाते ना तो यहाँ पर कोड की जो इंजरी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो यहाँ पर जो मैच को फिर ऐसा शेड्यूल करना पड़ा। यहाँ पे जो कोडी और थे जो कह रहे थे भाई मुझे मैच लड़ना है, क्योंकि एज अ सिंगल सुपरस्टार उनका यह पहला मेन इवेंट मैच था। ये वो रीजन था कि किस वजह से जो कोडी और इंजरी के होने के बावजूद भी यहाँ पे जो कम्पीट कर पाए ऐसे ब्रूटल मैच में। और इसके बाद जो है ना इसी मैच के बाद ऑफ एयर में जो हेल इन ए सेल में यहाँ पे कोडी का एक इमोशनल तो नहीं नॉर्मल प्रोमो भी आता है, वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वो जो है कल मैंने ड्रॉप आने वाले हैं और अपनी इंजरी के बारे में बताने वाले कि आगे उनका क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे सर्जरी होती है तो काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम लग सकता है, 3 से 6 महीने। आई होप कि वैसा ना हो, पर वैसा हो गया जाएगा, अब कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल यही था इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो मैं मिलता हूँ उसी नए उससे नए साथ। टेक केयर।